तो हम सभी देखते हैं गोकू एक नए शख्स से मिलता है जो कि जिनोसामा के सील का रक्षक होता है और उसका नाम नागी होता है। और तभी गोकू नागी से कहता है, हे तुमने मुझसे कहा था कि मुझे मोरो के बारे में अभी बहुत कुछ जानना है, तो आखिर तुम्हारा उससे क्या मतलब था? जिसके ऊपर नागी कहता है, गोकू जरा रुको, अभी तो उससे पहले तुम्हें काफी सारी चीजों के बारे में जानना है, तो धीरे धीरे करके तुम सब कुछ सीख जाओगे। लेकिन उससे पहले हमें इस प्लेनेट से चलना चाहिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्लेनेट ज्यादा देर तक सही रहने वाला है। और ये बोलते ही गोकू और नागी एक नए प्लेनेट के अंदर आ चुके होते हैं। और इस प्लेनेट में आते ही नागी अचानक से गोकू के ऊपर अपना हमला करता है, जिससे गोकू नहीं बच पाता और वो काफी दूर जाके गिरता है। और गोकू कहता है, हे आखिर ये तुम क्या कर रहे हो? जिसके ऊपर नागी कहता है, सबसे पहली बात गोकू, तुम्हें अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाए तो मुझे माफ करना, लेकिन तुम कभी भी मोरो को हरा नहीं पाओगे गोकू। जिसके ऊपर गोकू कहता है, तुमने अचानक से मेरे पीछे से वार किया, नहीं तो अगर तुम मेरे सामने से वार करते तो मैं तुम्हें बताता। जिसके ऊपर नागी कहता है, तो ठीक है गोकू, चलो अब खड़े हो जाओ और तुम मेरे ऊपर एक अटैक करो, देखते हैं तुम मेरे ऊपर कितने अटैक कर पाते हो। और तभी गोकू अपना अटैक करने के लिए जाता है नागी के ऊपर, लेकिन तभी नागी अचानक से अपनी आंखों के कलर को बदल लेता है। और गोकू जैसे ही वो देखता है, गोकू वहीं पर वापस से गिर जाता है। और गोकू कहता है, हे आखिर अब तुमने ये क्या किया, मैं खड़ा नहीं हो पा रहा। जिसके ऊपर नागी कहता है, देखा गोकू, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अभी काफी और भी चीजें सीखनी है, और इसीलिए मैं तुम्हारा अब से नया मास्टर हूँ, तो चलो अपनी ट्रेनिंग को हम स्टार्ट करते हैं। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्या आखिर कोई तुम जैसा मुझे ट्रेनिंग दे सकता है? मैं गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हूँ, क्या तुम इस बात को भूल चुके हो? जिसके ऊपर नागी कहता है, ओ हाँ, मैं तो इस बात को भूल चुका था गोकू कि तुम वही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन हो ना, जिसके सामने मोरो ने उसके सारे दोस्तों को खत्म कर दिया और तुम कुछ भी नहीं कर पाए और मोरो तुमसे बच के निकल गया। तो मेरी बात को ध्यान से सुनो गोकू, मैं यहाँ पर कोई मजाक करने के लिए नहीं आ रखा, मुझे जिनोसामा ने यहाँ पर तुम्हारी मदद के लिए भेजा है, तो तुम मेरी सारी बातों को मानोगे। जो सुन के गोकू कहता है, क्या भला तुम मुझसे ऐसे बात कैसे कर सकते हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि जब मोरो ने उन सभी को खत्म किया था तब मैं वहां पर नहीं था, और अगर जब मैं वहां पर होता तो मैं उनमें से किसी को मरने भी नहीं देता। जिसके ऊपर नागी कहता है, यही तो बात है गोकू, तुम अपने फैसलों को लेने में नाकामयाब हो, अगर तुम एक सही फैसला लेते तो हो सकता था तुम्हारे दोस्त तुम्हारे साथ में होते। अगर तुम अपने दोस्तों को भी जिनोसामा की सील के पास लेकर आते तो फिर क्या होता? क्या तुम्हें इसके बारे में कभी सोचा है? क्योंकि उस समय में तुम्हारे प्लेनेट अर्थ में कोई भी नहीं था, तो तुम उन तीनों को अकेले छोड़ के क्यों आए, जबकि तुम उन तीनों में उस समय में सबसे ज्यादा शक्तिशाली थे गोकू, तुम्हें इस बारे में कुछ तो सोचना चाहिए था। और तभी गोकू काफी ज्यादा सोच में लगता है और गोकू मन ही मन कहता है, शायद ये सही कह रहा है, ये सब मेरी ही गलती थी, मुझे उनमें से किसी को भी अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। जिसके ऊपर नागी वापस से कहता है, हे गोकू अब निराश होने का समय नहीं है, क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ मोरो के बारे में जानना है और तुम्हें ट्रेनिंग करके और भी ज्यादा स्ट्रांग होना है ना, तो चलो हम ये सब शुरू करते हैं। जिसके बाद हम सभी को मोरो और डिमिग्रा का सीन दिखाया जाता है। हम सभी देखते मोरो कुछ सोच रहा होता है, जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हे मोरो आखिर तुमने उस सयन को वहां पर जिंदा क्यों छोड़ दिया? आखिर तुम्हारे मन में क्या, आखिर तुम्हारे दिमाग में इस समय क्या चल रहा है मोरो? जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम नहीं सोच सकते डिमिग्रा कि आखिर मैं इस समय में क्या सोच रहा हूँ। मुझे मालूम है कि वो सयन हमारे लिए आगे चलकर खतरा तो बन सकता है, लेकिन फिर भी हो सकता है कि वो सयन हमारे लिए आगे चलकर एक फायदा भी साबित हो सकता है। जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, वो सब छोड़ो मोरो, लेकिन इस समय में तुम्हारे आगे का प्लान क्या है? क्योंकि जब तक तुम हो मुझे मालूम है कि जिनोसामा यहाँ पर वापस से नहीं आ सकते, तो आखिर अब हम आगे क्या करने वाले हैं? जिसके ऊपर मोरो कहता है, मैं सोच रहा हूँ डिमिग्रा, क्यों ना हम उसे वापस से जिंदा कर दें? जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, क्या तुम्हारा क्या मतलब है? क्या सच में तुम उस शख्स को वापस से जिंदा करना चाहते हो? तुम्हें तो पता ही है कि वो तुम्हारी और हमारी बात कभी भी नहीं मानेगा मोरो। जिसके ऊपर मोरो कहता है, मुझे मालूम है, लेकिन फिर भी डिमिग्रा हमें उस जैसे की जरूरत पड़ सकती है,
क्योंकि भले ही वो हमारी बात ना माने, लेकिन तुम्हें भी पता है कि आखिरकार वो कितना शक्तिशाली है, जिसके ऊपर डिमिग्रा कहता है, हाँ तुम्हारी ये बात तो एकदम सही है मोरो, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि उसकी सील आखिर कहाँ पर है? क्योंकि बिना सील के वो कभी भी आजाद नहीं हो सकता, क्योंकि उसे बरसों पहले एक सील के अंदर बंद किया गया था और हम ड्रैगन बॉल की मदद से भी उसे वापस नहीं ला सकते। जिसके ऊपर मोरो कहता है, तुम उसकी चिंता मत करो, मुझे मालूम है कि आखिर उसकी सील कहाँ पर है, तो तुम मुझे बस फॉलो करो। और हम देखते हैं कि ये बोलते ही डिमिग्रा और मोरो उस सील की तरफ निकल जाते हैं ताकि वो अपने एक और साथी को जिंदा करा सके। और दूसरी तरफ हम सभी को वापस से गोकू और नागी का सीन दिखाया जाता है और नागी इस समय में गोकू को ट्रेन कर रहा होता है। साथ ही में नागी कहता है, तो गोकू लगता है कि तुमने काफी सारी नई पावर्स को सीख लिया है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि तुम्हें मोरो के बारे में और भी जान लेना चाहिए। जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ मुझे यही तो जानना है कि आखिर मोरो के पास कौन कौन शक्तियां हैं। नागी मुझे जरा विस्तार में बताओ। जिसके ऊपर नागी कहता है, सबसे पहली बात तो तुम ये जान लो गोकू कि मोरो को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं हो सकता, क्योंकि मोरो के पास उसकी शक्तियों से भी बढ़कर उसका दिमाग है और साथ ही में वो भविष्य को भी देख सकता है। इसीलिए तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा, जब तुम्हारे सामने मोरो होगा तो तुम उसकी भविष्य देखने वाली शक्तियों से बचो, जिससे मोरो तुम्हारे आगे आने वाले किसी भी हमले को प्रिडिक्ट ना कर सके। जिस वजह से गोकू और मोरो की इस भविष्य देखने की शक्तियों की वजह से मोरो कभी भी नहीं हार सकता, और इसीलिए अगर मोरो को सबसे पहले किसी ने हराया था तो वो खुद लॉर्ड ज़ालामा थे। इसीलिए तुम्हें कुछ भी करके मोरो के सबसे पहले तो भविष्य देखने वाली शक्तियों से बचना पड़ेगा। और उसके अलावा मुझे ऐसा लगता है कि मोरो अभी के समय में अपने एक और साथी को जिंदा करने वाला है। जिसके ऊपर ये सुन के गोकू काफी ज्यादा चौंक जाता है और वो कहता है, क्या अगर मोरो ऐसा करने वाला है तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? हमें अभी चलकर मोरो को रोकना पड़ेगा। जिसके ऊपर नागी कहता है, मैंने तुमसे अभी जितना कहा है गोकू, तुम उस पे ध्यान रखो। मैंने जितनी शक्तियां तुम्हें सिखाई है, तुम अपनी पावर को कंट्रोल करना सीखो, और साथ ही में तुम्हें गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की भी पावर को कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा गोकू, और तभी जाके तुम मोरो का सामना कर पाओगे। और उसके बाकी के साथियों की चिंता तुम मत करो, क्योंकि तुम्हारा साथ देने कोई ना कोई तो जरूर से आएगा। जो सुन के गोकू कहता है, क्या भला अब मेरा साथ देने के लिए कौन आ सकता है? जिसके बाद हम सभी को एक अनजान प्लेनेट दिखाया जाता है, जहाँ पर हम सभी देखते हैं वेजिटा होता है, और वेजिटा की हालत काफी ज्यादा बुरी होती है। और वेजिटा खड़ा होते हुए कहता है, क्या आखिर ये जगह कौन सी है, और आखिर मैं जिंदा कैसे हूँ? जिसके बाद वेजिटा को एक आवाज आती है, तुम्हें यहाँ पर लाने वाला मैं हूँ वेजिटा। जो सुन के वेजिटा कहता है, क्या आखिर कौन है, जरा मेरे सामने आओ, और आखिर मैं जिंदा कैसे बच गया मोरो के उस अटैक से? जिसके ऊपर वो शख्स कहता है, जरा सब्र रखो वेजिटा, तुम्हें तो अभी बहुत कुछ सीखना है। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हे आखिर तुम कौन हो, जरा मेरे सामने आकर बात करो। और तभी वो शख्स कहता है, क्यों नहीं वेजिटा, तो लो मैं तुम्हारे सामने आ गया।